बल्कि हो सकता है खान बाबा पे दोबारा ले जाऊंगा। देखिए हमारी डील हुई भी है और इस डील के मुताबिक हम इसी तरीके से चलते रहेंगे। दूसरे जो हमारे साथ आज लेजेंड मौजूद हैं मोहम्मद यूसुफ, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, हम सब के बहुत ही पसंदीदा यूसुफ भाई। अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू द शो। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मुशी भाई के बारे में जो आपको पता चल रहा है मुझे भी अब पता चल रहा है। चल रहा है ना, हालांकि मैं क्रिकेट साथ खेल रहा हूँ लेकिन इतना टाइम पहली दफा साथ गुजार रहे हैं। आज नहीं, यूसुफ को भी मैंने आज पहले मना लिया था कि प्लीज ऐसे कह देना क्योंकि मैं आई एम बाइंग दोस गाइस। मजाक में भी झूठ नहीं बोल सकते। अच्छा, एवरी डे इज नॉट संडे, अभी सवेरा ने कहा तो कल मेरे जहन एक बल्कि नजर से एक ट्वीट गुजरा था जिसमें आपने यूसुफ भाई को कहा था कि यस नहीं कर सकते। अच्छा, वो मैं ना अभी ब्रेक के दरमियान में ना आई विल आंसर हिम विद माई ट्वीट that what happened there. Yes. Where is the due factor, where is might that due factor is, Mr. Yusuf? I'll come back on it. जब एक इनिंग खत्म हुई थी ये मैंने बोला था, फिर भी नो ये तो उनकी है, ये तो उनकी भाई, अब ड्यू नहीं पड़ी तो उनका क्या कसूर? मेरा उसने कहा है, मैंने थोड़ी कहा है। I actually came out with the stats. मैंने कहा ये गलत फैसला है इनका, जो टॉस जीत के इनकी स्पिन स्ट्रेंथ है और ये यूसुफ ने आई एक्चुअली वन। देखिए भाई, अगर आपने क्रेडिट लिया जीत का अफगानिस्तान पहले, नहीं आप पहले सुन लेना बात, अगर सुना सकते हैं वो भी सुन ले। मैंने कहा था अगर ड्यू पड़ेगी तो फिर अफगानिस्तान को फायदा होगा ना, ड्यू नहीं पड़ेगी तो मुश्किल हो जाएगी अफगानिस्तान के लिए, तो ऑब्वियस है। देखिए, मुश्ताक भाई ने कहा था कि इनका गलत फैसला है, ज्यादा क्लैरिटी कहाँ पर? ड्यू ड्यू पड़ी नहीं ना, फिर पता चलना था। ड्यू पड़ती, मुझे खाने की ऑफर आई है। अगर ड्यू पड़ती, कंडीशंस पे बात की थी उन्होंने, बिल्कुल उस तरह बात की थी कि कौन सा कंडीशन हेल्प करेगी कौन सा नहीं। बट आई मस्ट से आपके कपड़े आप अभी आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट ये ब्राउन है या ये ग्रीन का एक शेड दे रहा है। ये ऑयलिव लग रहा है। जे डॉट आर डॉलिंग यू अप वेरी वेल भाई। भाई जे डॉट वालों ने तो कमाल कर दिया वैसे, हमें ना ये ट्विनिंग आप लोगों ने साथ मिलके की हुई है। मतलब मेरे जितने भी जो लोग जानते हैं ना मुझे, यूसुफ तो खैर कपड़े पहनने का शौकीन है, शाहिद को शाहिद शौकीन है, मुझे बिल्कुल कपड़ों का शौक नहीं है। मगर ये इस अपना इस शो के जब से जे डॉट हमारे साथ आएंगे, जो वेस्ट कोट जो जैकेट्स जो कपड़े हमें दिए हैं ना, तो मैं खुद भी एंजॉय करने लगा, मुझे डिफरेंट डिफरेंट लगने लग गया। अच्छा, अब अपना आप अच्छा सा लग रहा है। अब इसके बाद सिलसिला इसी तरीके से उम्मीद करते हैं जारी रहेगा, आप भी शो। मेरा तो वैसे जे डॉट इनका भी है, सारे हमारे दोस्त ही हैं, सोहेल भाई जिनके ये ऑनर है, जुनेद भाई रहमतुल्लाह है, वो भी हमारे दोस्त ही थे और ये तो पुराना हमारा ताल्लुक है, कपड़े पहले भी पहनते थे। अब जरा टीवी पे नजर आ रहा है ये जे डॉट पहन के, वरना वैसे मैं आज वाकई वो फिगर आउट कर रही हूँ। मगर चले जी, यहाँ डिस्कशन को ब्रेक लगाते हैं, हमने एक दूसरे की बड़ी तारीफ कर ली है, अब उन तारीफों से आगे बढ़ते हैं और जरा सरफेस की तारीफ सुनते हैं कि आज सरफेस कैसी है पुणे के इस मकाम पे, एंड वुड दैट हेल्प एंड गिव सपोर्ट टू बांग्लादेश और टू इंडिया, बिकॉज जो स्ट्रेंथ्स की बात करें तो मेरे ख्याल से इंडिया के पास ऑलराउंड परफॉर्मर्स हैं, बांग्लादेश यहाँ पे लैक करेगा बिकॉज शकीबुल हसन इज नॉट अवेलेबल एंड ही इज अ वेरी वाइटल वाइटल पर्सन फॉर द टीम। क्या किस तरह की सर्फेस है पिच रिपोर्ट पे नजर? इट्स अ गुड पिच टू बैट ऑन एंड बोलर्स नीड टू डू समथिंग आउट ऑफ देयर स्किन। बहुत ही जिस तरह आवाज आई है ना उस पिच की, वो कहते हैं ना कि पटाखा विकेट। और यहाँ पे जो बद्री ने डिस्क्राइब किया पिच को, आई थिंक मार्जिन ऑफ एरर बहुत बहुत कम है बॉलर्स के लिए। हम इस पूरी इंडिया के बारे में जितना भी हमारा पैनल है, शाहिद हो गया, यूसुफ हो गया, आप लोग हो गए, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू यही है एज एन एक्सपर्ट के यहाँ पे जितने विकेट टू विकेट बॉल करोगे और अपनी वेरिएशन लाओगे अपनी पिच के, जो नेचुरल वेरिएशन आपके पास है उसको किस वक्त इस्तेमाल करना है, किस बैट्समैन के खिलाफ करना है, कौन सी फील्ड आपको इस पिच के ऊपर खड़ी करनी है किस बैट्समैन के खिलाफ, यहाँ पे डेटा बहुत काम करता है। इसका आयरलैंड और नीदरलैंड ने इसका सबूत दिया है हमें पिछले मैच में, एक एक ओवर के अंदर वो पैन को अपना पर्ची निकालता था और देखता था कि फील्ड कौन सी सेट करनी है, किस बॉलर को अब लेके आना है। उन्होंने जिस तरीके से वो गेम चलाई है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो सारी के सारी मैथमेटिकल गेम खेले हैं और आई थिंक ये जो मॉडर्न क्रिकेट के साथ साथ जो माइंड गेम खेलते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस पिच के ऊपर। सबसे दोनों टीमों को सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज करनी पड़ेगी ना तो पिच को रीड करके सिंपलीफाई करें जैसे बद्री ने कहा, और मार्जिन ऑफ एरर ऐसा होना चाहिए कि बैट्समैन चांस ले आप ना चांस लो। बिल्कुल, बिल्कुल जी। जी। भाई
हिडन जब जब नहीं होते पिच रिपोर्ट पे तो आप खासे सेटिस्फाइड दिखाई देते हैं कि जरा क्लैरिटी आ गई। हां देखिए हिडन ने दो बार दी और दोनों बार कोई सही नहीं दी उन्होंने। उन्होंने इस सारी चीजें बता दी थी तो कोई एक तो हो ही जाती है। देखिए अभी मैं ये भी सुना है और मैंने रोहित की भी सुनी थी बात जब टॉस पे तो उसने कहा था मैंने भी बॉलिंग करनी थी, पता नहीं क्यों करनी थी, ये तो रोहित हर टॉस पे ऐसे ही कह रहे हैं, रोहित ऐसी माइंड गेम्स खेल रहे हैं शायद, और जो ये बता रहा हो जैसे विकेट की आवाज आ रही है और वो जो कह रही थी कि पैराडाइज लग रही है बैटिंग के लिए। देखिए अभी मैच होता है फिर क्या होता है, क्योंकि बाहर से कहना और विकेट पे बोलना बास का वो चीजें नहीं होती, बास का वही हो जाती है। एक रीजन शायद और हो सकती है रोहित शर्मा के, आप लोग जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मे बी बिकॉज इट इज अ बैटिंग सर्फेस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अंडर द लाइट से और अच्छी हो जाएगी बैटिंग के लिए, बिकॉज इधर ड्यू फैक्टर आता है कि नहीं आता, मगर दिस सर्फेस इसमें डिटोरिएशन शायद कम होगी और फिर एक जब आपके सामने कंपेरेटिवली आपसे छोटी टीम होती है तो वही होता है कि बोर्ड्स का चेस करने के लिए आपके लिए अच्छा होता है कि उनको ये मौका ना मिले और आप चेस कर सकें, बिकॉज इंडिया इज अ वेरी गुड चेजिंग साइड। आई थिंक क्रंच मैचेस से पहले आई थिंक सम टाइम टैक्टिकली गेम खेलते हैं, yeah. वो टैक्टिकल गेम ये खेलते हैं कि कैन आर बैट्समैन प्ले अंडर द प्रेशर। अंडर प्रेशर क्या होता है, कई दफ़ा इन पिचों के खिलाफ जब आपके पास 300 या 250 स्कोर हो जाता है और क्या आप हमारे बैट्समैन चेस कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा रिदम में जा रही है इंडिया, yes. तो अच्छे रिदम के ऊपर वो ये चांस लेना चाहेंगे कि हमारे बैट्समैन 250 पौने 300 300 अगर हमारे खिलाफ होता है, कैन वी डू इट ऑन अ फाइनल सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल। जब ये चीज़ें सामने रख के आप फैसले करते हैं ना, इट मीन्स यू नो वेयर आर यू गोइंग बेसिकली। ये बहुत मुझे तो ये लगता है, वरना 90% मैं तो बहुत फर्म बिलीव है, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि अगर मैं जिस टीम की भी कोचिंग करता हूँ अल्लाह के फजल से, मेरा ये 70-90% ये होता है, डिपेंड करता है पिच के ऊपर, 90% ये होता है कि विन द टॉस एंड बैट, बिकॉज कुछ भी कंडीशंस हो, स्कोरों का जो प्रेशर होता है ना वो कोई उसका मैच नहीं है। आप जो मर्जी करें, जितनी मर्जी टीम खिला ले, आप साउथ अफ्रीका को देख ले, साउथ अफ्रीका को हम देखेंगे, मगर एक ब्रेक पर जाएंगे जल्दी से, और ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सनसिल्क थिकिंग डॉन, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स जिससे बाल दिखे दो गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स जो दिल को निखारे, नमी दे और दे जान सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है।